Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. तो यहाँ पर हम रीडिंग देखने वाले हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या हैं. ओके, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई रीडिंग्स आपको जल्दी मिल सकें. ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडियक साइन के लिए हैं, ठीक है, और सभी जेंडर के लिए हैं. आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो. ओके, चलिए, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या कॉन्टेक्ट में, सभी लोग रीडिंग देख पाएंगे. देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स क्या हैं उनके लिए. जब मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे होंगे तो उनके पार्टनर के थॉट्स उनके लिए क्या होंगे. ओके, डिवाइन से प्रे कीजिए आप कि इस रीडिंग के थ्रू आप तक रेजोनेट मैसेजेस मिल सकें आपके लिए, और ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी दूर हो जाए. देखते हैं हम हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स उनके लिए. ओके, ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलती, और इसे बहुत अच्छे से पता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है. जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए कुछ इस तरीके के होंगे. ये पर्सन जितना आपको इसने थर्ड पार्टी में डाला है या आपको कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे, ये पर्सन वही सब चीज़ें सोच रहा होगा आपके बारे में, ठीक है. इस वक्त इन दिनों में आपका मन बस इस पर्सन से बात करने का होगा, उसके अलावा आपका मन नहीं होगा कि आप किसी भी पर्सन से बात करें, ठीक है. और आपकी एनर्जी होगी कि जो भी मैं बात शेयर करूं वो अपने पार्टनर से करूं. सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की होंगी कि जो भी बात शेयर करूं मैं अपने ही पार्टनर से करूं, उसके अलावा किसी से नहीं करूं. ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि इसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, सिचुएशन कोई भी हो आपके रिश्ते में, लेकिन इसको तकलीफ़ हो रही है. आप हो सकता है इसको इसके कर्मा भी मिले हों कि जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको दिल दुखाया है वही थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का दिल दुखाया है. ओके, तो ये पर्सन ना अब आपके पास वापस आपको हील करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है. जैसे कि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर दूरियाँ हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सिटी या स्टेट अलग हो सकता है. अब ये पर्सन आपके पास आने का डिसीज़न ले चुका है. मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड थे, आपको लगता था कि इस पर्सन का डिसीज़न क्या होगा मेरी तरफ, क्या ये पर्सन मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, तो भाई इसने डिसाइड किया ये वापस आपके पास आएगा. प्यार ऑफर कर सकता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही ना करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूरियाँ भी हैं और थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इस तरीके की हो गई है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं. और ये पर्सन भी गिल्ट में है कि इसने कितना बुरा कर दिया, थर्ड पार्टी की वजह से अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर दिया. ये अब आपकी तरफ या आपके लिए कोई भी अगर नेगेटिव बोलेगा तो सामना करने के लिए ये पर्सन तैयार है पूरे तरीके से. ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक सोच रहा है, ओवर थिंकिंग करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए सोच रहा है ये वो सब कुछ पॉजिटिव सोच रहा है.
ये भी है कि इसने नेगेटिव आपके लिए किया। देखो क्या ऑफर करना चाहता है, ये अब आपका एक परिवार, एक फैमिली, एक कमिटेड रिलेशनशिप, शादी ऑफर करना चाहता है। अगर मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अलग अलग शादियों में, तो भाई ये पर्सन आपसे एक बार बात तो ज़रूर करेगा। और अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, शादी हो चुकी है आप दोनों के एक दूसरे से, तो वापस आपकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब आपको ये पर्सन शादी, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये पर्सन उनको शादी करने का ऑफर कर सकता है। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी वही एनर्जी है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे किसी भी पर्सन का, किसी भी सिचुएशन का इसको सामना करना पड़ जाए। ये अब आपको कहीं ना कहीं दिखाएगा, अब आपके लिए पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिवनेस इस पर्सन की बढ़ रही है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियस है ये पर्सन के दिल में आपको खोने का डर काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। इसको ऐसे लगेगा कि मेरे को अब इसको खोना नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही हम हमारे व्यूवर्स के लिए एंजल का मैसेजेस भी देख लेते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेज हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ठीक है, अगर रीडिंग आपको सही लगी है, पॉजिटिव लगी है, तो इसमें दी हुई गाइडेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो सके। नेगेटिविटी को तो भूल ही जाओ अपनी लाइफ में। ओके, देखो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही आया है कि आप दूसरों की हेल्प करो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसकी आप हेल्प कर सको, तो क्या तो देखो चैरिटी कर दो थोड़ी बहुत। ठीक है, और नहीं तो कोई स्ट्रीट के ऊपर डॉग्स वगैरह होते हैं, कैट्स होते हैं, उनको कुछ खाना खिला दो। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं। ओके, ये कार्ड हम लेंगे उनके वाला, क्योंकि ये कार्ड सीधा आया है। इसी साल में आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाएगा। आज के एंजल्स, एंजल्स की वो बिलीव करना है, ये एंजल का मैसेज है। सब कुछ आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।